गाइस यार फाइनली वरुण धवन की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया रिलीज हो चुकी है, जिसमें हॉरर जैसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, मगर हाँ थोड़ी बहुत कॉमेडी जरूर नजर आई। तो यार इस मूवी में अपने वरुण भाई साहब को एक भेड़िया सॉरी इच्छाधारी भेड़िया काट लेता है और वरुण बन जाते हैं खूंखार आदम को भेड़िया। अब जिन लोगों को नहीं पता उनमें उनको बता दूं कि मूवी दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक पार्ट है और मूवी के एंड में हमको फिल्म स्त्री के राजकुमार राव का कैमियो भी देखने को मिलता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्दी हमें स्त्री और भेड़िया का क्रॉसओवर भी देखने को मिलने वाला है। अब अगर मूवी के VFX और CGI की बात की जाए तो VFX काफी प्रेज़वर्दी है, मतलब यार अपने आदि पुरुष की VFX तो काफी ज्यादा बेटर है, मगर मूवी की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं है, काफी प्रेडिक्टेबल है। मतलब मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहां आपको सीटी बजाने का मन करे। मूवी की एक्ट्रेस कीर्ति सेन का रोल के इंपॉर्टेंस मूवी के एंड में समझ आती है और मूवी में सबसे ज्यादा हंसी वरुण के फ्रेंड जनार्दन यानी अपने अभिषेक बनर्जी के जोक्स पर ही आती है। और वरुण और कीर्ति के बीच के रोमांटिक एंगल में रोमांस ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि यार सिर्फ स्टोरी को खींचने के लिए रोमांटिक एंगल डाला गया है। और मूवी का सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से कुछ ज्यादा ही लेंदी लगने लगता है, क्योंकि वो फील नहीं आती है, सब कुछ काफी प्रेडिक्टेबल सा लगता है। तो यार ओवरऑल मूवी की बात किया है तो मूवी में हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जो वैसे उतना भी नया नहीं है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट आज से 30 साल पहले भी एक जुनून मूवी आ चुकी है। बट हाँ मूवी की अच्छी बात यह कि इसमें जबरदस्ती क्रिंजे लव स्टोरी नहीं घुसाई है जैसे ब्रह्मास्त्र में दिखाया गया था। तो यार मैं इस मूवी को 2.5 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे मूवी उतनी ज्यादा खास नहीं लगी जितना एक्सपेक्ट किया था। बट आपको मूवी कैसी लगी मैं जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।